क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिए हुए हैं दो पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इक्वल टू -3y, और ये क्वेश्चन है कॉमन टेंजेंट का। कॉमन टेंजेंट आप वैसे भी इन दोनों के टेंजेंट लिख के उनको कंपेयर करके भी सॉल्व कर सकते हो, राइट? वो आपको मेथड पता है आपको। यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस पैराबोला एंड ऑल्सो द टेंजेंट टू दिस पैराबोला, कंपेयर बोथ ऑफ देम एंड फाइंड स्लोप। और एक तरीका और भी हो सकता है कि इसका स्लोप लिखना आसान, सॉरी इसका टेंजेंट लिखना ईजी है, y इक्वल टू mx प्लस ay वाले केस में एक ही वैल्यू 1 डालेंगे। तो ये लाइन अगर इसको भी टच कर रही है, इस पैराबोला को भी, तो इन दोनों में जो क्वाड्रेटिक आएगी उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा। बिकॉज अगर आप इस लाइन को इस पैराबोला के साथ सॉल्व करोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका टेंजेंट है, तो इसको जब इसके साथ सॉल्व करेंगे और उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो पुट करेंगे तो उससे भी आंसर आएगा। तो यहाँ से वाई की वैल्यू उठा के हम यहाँ पर डाल देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32 इंटू वाई, वाई को हमने एम एक्स प्लस 1 बाय एम से रिप्लेस कर दिया, तो एक्स में ये क्वाड्रेटिक आ गई। फिर आपने ये क्वालिटी का एक्स स्क्वायर प्लस 32mx प्लस 32m इक्वल टू जीरो, बी है 32m, सी है 32m और ए है 1, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac आप यूज़ करते हो, तो m क्यूब आता है 1/8, सॉल्व करके आ जाएगा m इज 1/2।